हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग अभी बाहर जाके आए हैं, तो हमने सोचा कि कार में ही वीडियो बना लेते हैं। अनुज का कुछ काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो वीडियो में मेरा कुछ काम नहीं है इसमें, कुछ काम नहीं है इसमें। हाँ, बट हम लोग अभी घर पे जा रहे हैं, तो सोचा कि पहले वीडियो बना के ही जाते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ आई गॉट 3 जॉब ऑफर्स इन जस्ट अ वीक। तो लाइक जैसा कि पता ही होगा कि यहाँ पे जॉब मार्केट ऑलरेडी डाउन है, तो कैसे मिली, क्या रीज़न था, इन कौन कौन सी जॉब मिली, तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। एंड बिफोर गोइंग अहेड डू सब्सक्राइब माई चैनल, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि मुझे लास्ट वीक ही 3 जॉब ऑफर मिली थी, जिसमें से एक, मतलब तीनों ही जॉब ऑफर में मिनिमम वेज से ज़्यादा ऑफर कर रहे थे। तो जो सबसे पहली वाली जॉब थी वो मुझे वर्क फ्रॉम होम के लिए मिली थी, एंड विच वॉज पेइंग 19 पर आवर, राइट? हाँ, और फुल टाइम। हाँ, फुल टाइम थी, वर्क फ्रॉम होम थी, 19 पर आवर थी। एंड वो हमने कैसे अप्लाई किया था उसके बारे में बात करते हैं। तो वो हम लोगों ने ऑनलाइन ही अप्लाई किया था, आई थिंक अनुज ने अप्लाई किया था। हाँ, मैं ही करता हूँ ना, तू नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हाँ, मतलब ऑनलाइन इंडीड पे हम लोगों ने अप्लाई किया था, इंडीड पे देखा था, लेकिन अप्लाई वेबसाइट से किया था। एंड उसके बाद हम लोगों ने असेसमेंट कंप्लीट किया था। बहुत लंबा था पर हाँ, बहुत लंबा था, लेकिन कर दिया। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ बातें डिस्कस की है, तो वो वीडियो आप जरूर देखना, वो भी हेल्पफुल होगा। तो हाँ, मतलब असेसमेंट कंप्लीट किया था, उसके बाद मुझे 2-3 दिन के बाद रैंडमली ही कॉल आ गया था, विच वॉज लाइक फोन स्क्रीनिंग कॉल, जिसमें बेसिक सा थोड़ा इंटरव्यू टाइप का था एंड बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस पूछे थे। एंड उसके बाद उन लोगों को अच्छा लगा, तो उन लोगों ने तभी उस कॉल पे ही कह दिया था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर सेकेंड इंटरव्यू। एंड सेकेंड इंटरव्यू की मेरी डेट शेड्यूल हुई, एंड उसके थोड़े दिन बाद मेरा सेकेंड इंटरव्यू था, जो भी, मतलब जो कि वो भी फ़ोन इंटरव्यू ही था, ऐसा कुछ वीडियो कॉल या ऐसा कुछ नहीं था। एंड वो फ़ोन इंटरव्यू मेरा 15-20 मिनट तक चला होगा, एंड उसके बाद आई गॉट दी ऑफर। तो वो जो इंटरव्यू था उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो सारा ही हम पूरा, मतलब उसके लिए अलग से वीडियो बनाने वाले हैं इंटरव्यू के ऊपर, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएगी अगर मैं इसमें भी इंक्लूड कर दूंगी। बट हाँ, मतलब वो अच्छा गया था मेरा इंटरव्यू, एंड उसके बाद ऑफर भी आ गई थी। बट उसका जो प्रोसेसिंग टाइम था वो काफ़ी लंबा था, बिकॉज इट्स लाइक वर्क फ्रॉम होम जॉब, तो वो लोग मुझे सारे इक्विपमेंट भी देने वाले थे और वो सब कुछ भी था, तो काफ़ी लंबा टाइम था। तब तक मतलब ऐसा था कि उसके थोड़े ही दिन बाद हम लोगों ने दूसरी जगह पे भी अप्लाई करके रखा था। आई थिंक दोनों में एक ही साथ अप्लाई किया था, है ना? Almost same day किया था। हाँ, तो वो जो सेकंड जॉब थी वो भी हम लोगों ने इंडीड पे देखी थी। उसके बाद हम लोग इन पर्सन गए थे, बिकॉज वो हमारे घर से पास ही था, तो हमने सोचा कि इन पर्सन जाके भी आते हैं। एंड इट वाज लाइक क्लोथिंग ब्रांड, तो बहुत ही मतलब अच्छी बड़ी ब्रांड है, तो वहाँ पे हम लोग इन पर्सन गए। इन पर्सन जाके मैंने थोड़ी सी बात की, एंड जो लेडी थी उसने तभी लाइक मुझसे थोड़ा सा मतलब बेसिक सा पूछा था कि क्या है क्या नहीं है, बिकॉज दैट पोजीशन वाज फॉर की होल्डर पोजीशन, एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने लाइक ट्रेनिंग की हुई थी, तो आई वाज लाइक कि आई वुड बी अ ग्रेट फिट, और ऐसा सब कुछ बातें की। एंड तभी ऑन द स्पॉट उस लेडी ने कहा कि ठीक है, हम इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। एंड मेरा इंटरव्यू आई थिंक 2-3 दिन के बाद शेड्यूल किया था, 2 दिन के बाद था। हाँ, तो हाँ, मतलब वहाँ पे ऐसे ही ऑन द स्पॉट इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। तो उसके 2-3 दिन के बाद मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी, तो मतलब वो इंटरव्यू के लिए मैं एकदम ही प्रोफेशनल रेडी होकर गई थी, बिकॉज वो ब्रांड बहुत अच्छी थी और वो सब कुछ था, तो हमने सोचा कि एंड हाँ, मैंने वो इंटरव्यू से पहले ऑनलाइन सब कुछ पढ़ा था लाइक कंपनी के बारे में, एंड उसमें भी उन लोगों ने एक जगह पे मेंशन किया था कि इफ़ यू आर कमिंग फॉर इंटरव्यू तो आप थोड़ा प्रोफेशनल वे में आना। तो ये मतलब ये चीज़ है जो कि ध्यान रखनी चाहिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो एक बार ऑनलाइन जाके देख लो। उसी के साथ हम लोगों ने ग्लास डोर पे काफ़ी क्वेश्चंस आंसर भी आपको मिल जाते हैं, आई मीन मोस्टली आंसर क्वेश्चंस ही मिलते हैं। आंसर्स तो आपको खुद को ढूंढना है, यू कैन यूज चैट जीपीटी। या
लेकिन वो सब कुछ याद नहीं रहता ना चैट जीपीटी का, पर ओवरव्यू तो देख सकता है ना कि भाई क्या क्या रफली बोल सकते हैं ऐसा ऐसा। हाँ हाँ वो सब कुछ देख सकते हैं। हाँ तो मतलब हम लोगों ने ग्लास डोर पे देखा था कि लाइक कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड वो सब कुछ, लाइक वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूंगी जब भी मैं इंटरव्यू वाला वीडियो बनाऊंगी। तो हाँ मतलब अच्छी सी प्रिपरेशन की थी एंड उसके बाद इंटरव्यू वहाँ पे मैं देने गई थी इन पर्सन एंड वो भी 15 से 20 मिनट तक चला था इंटरव्यू। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे मुझे। बाद में उसने कहा कि थोड़े दिन के बाद हाँ थोड़े दिन के बाद वो लोग रिजल्ट देंगे, मतलब इफ़ यू आर सिलेक्टेड देन यू विल गेट अ कॉल। तो ऐसी बात हुई थी एंड उसके बाद मुझे वहाँ से भी कॉल आया था कि लाइक यू आर सिलेक्टेड। नो डाउट की होल्डर पोजिशन के लिए नहीं था बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने ट्रेनिंग ली हुई थी तो ऐसा सब कुछ सीन था। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा मतलब मेरी वर्क फ्रॉम होम उससे पहले लग गई थी बट मेरे पास ऑफर लेटर नहीं था क्योंकि उसमें बहुत ही लंबा टाइम था सारी प्रोसेस का। तो हमने सोचा कि ठीक है देखते हैं, अभी सब कुछ रखते हैं, उसके बाद जो भी अच्छा लगेगा उसके साथ विल गो अहेड। तो ये दूसरी जॉब ऑफर थी। अब बात करते हैं तीसरी वाली की। तो ये इंटरव्यू से पहले तीसरी का आया था ना इंटरव्यू? ये तो ओ नहीं नहीं नहीं, मतलब ये दोनों जॉब ऑफर आ गई। इन पर्सन अप्लाई किया था इसमें। हाँ हाँ इन पर्सन अप्लाई किया था, मतलब ये दोनों जॉब ऑफर जब लाइक जो दूसरी वाली थी वो जिस दिन पे मेरे पास आई मामा से बोला तो बहुत खराब चल रहा हिंदी, मतलब मेरी जो दूसरी जॉब ऑफर मुझे आई थी उसी दिन पे मुझे एक कॉल आता है, बहुत ही मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज हम लोगों ने ये दो जॉब ऑफर आई तो हम लोगों ने सभी जगह पे अप्लाई करना भी बंद कर दिया था। लेकिन ये जो तीसरी वाली आई थी वो मैं एक महीना पहले काफी जगह पे इन पर्सन रिज्यूम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गई थी एंड ऐसे ही काफ़ी जगहों पे मेरा रिज्यूम मैं दे के आई थी, वहाँ पे भी मैंने दिया था एंड हमारी बात हुई थी कि लाइक दे आर नॉट हायरिंग राइट नाउ, वो सब कुछ हुआ था। तो मतलब एक महीने बाद वहाँ से कॉल आता है कि आर यू स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब बिकॉज वी आर हायरिंग फॉर अ फुल टाइम एंड परमानेंट पोजिशन। तो आई वॉज लाइक कि ओ माई गॉड, बिकॉज ऑलरेडी दो ऑफर थी। अब सोचा कि ठीक है, इसमें भी इंटरव्यू था, उन्होंने कहा था मुझे कि इसमें भी इंटरव्यू होगा, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, सारी प्रोसेस करनी होगी। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, अभी टाइम है तो अभी देख के आते हैं इंटरव्यू एंड देखते हैं उसके बाद। तो ऐसे ही मैं इंटरव्यू देने के लिए और सब कुछ करने के लिए गई, फॉर्म फिलअप किया। इंटरव्यू मेरा वहाँ पे बहुत ही रैंडम था, मतलब कोई भी प्रिपरेशन नहीं थी बट क्योंकि मैंने ये दो ऑलरेडी दिए हुए थे तो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि ठीक है मतलब नहीं कोई दिक्कत आएगी। वहाँ पे भी मेरा 15-20 मिनट आई थिंक द लॉन्गेस्ट इंटरव्यू वॉज देयर। ओके तो काफ़ी लंबा चला था वहाँ पे भी इंटरव्यू एंड काफ़ी हम लोगों ने, बहुत ही फ्रेंडली मैनेजर थी तो बहुत ही मज़े से बातें की और वो सब कुछ किया। एंड उसके बाद उसने कहा कि ठीक है आई थिंक 4 से 5 दिन में कहेंगे, ऐसा कहा था उसने बिकॉज मैं मंडे को गई थी और उसने कहा था कि एट द एंड ऑफ द वीकेंड यू विल गेट द रिजल्ट, सो इफ यू आर सिलेक्टेड यू विल गेट अ कॉल। तो वहाँ तक की हमारी बात हुई थी, मैं घर पे आई और हमने सोचा कि ठीक है इसमें आएगा नहीं आएगा पता नहीं है बिकॉज 4-5 दिन लग जाएंगे। एंड सरप्राइजिंगली उसी दिन शाम को मुझे कॉल आता है कि यू आर सिलेक्टेड। तो वहाँ से भी आ गई थी तो तब जाके हमारे पास 3 ऑफर थी, अब 3 में से 1 चूज करनी थी विच वॉज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट बट हाँ मतलब ऐसे ही आई थी। तो लाइक एक इन पर्सन से आई थी, एक ऑनलाइन से आई थी एंड एक ऑनलाइन प्लस इन पर्सन से आई थी। तो मतलब अभी क्या है कि अभी विंटर खत्म होने को आया है तो अभी स्टार्ट हो रही है, मतलब ओपनिंग्स दिख रहे हैं ऑनलाइन भी, तो अभी आप जा सकते हैं बिकॉज मार्च अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग्स होती है। तो जैसा कि मैंने ये 3 बताए कि मेरे पर्टिकुलर जो 3 इंटरव्यूज आए थे वो इस तरीके से अप्लाई करने से आए थे, तो आप उस तरीके से देख सकते हैं कि ऑनलाइन भी अप्लाई करते रहिए, इन पर्सन भी जाते रहिए एंड अगर कुछ ऑनलाइन देखते हैं तो फिर वहाँ पे भी इन पर्सन जाइए। राइट बिल्कुल बिल्कुल, सभी जगह जाना ही चाहिए नो मैटर। ऐसा वो लोग बोलते हैं कि हाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही लेते हैं पर एक बार जाने से ऐसा कुछ जाता नहीं, इनफैक्ट थोड़ा सा फायदा हो जाता है कभी कभार अगर मैनेजर को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो दे में
टेक योर इंटरव्यू राइट अवे एंड कैन गेट सिलेक्टेड. या और इसने जो जॉब ली है, जो फाइनल की है, वो है द लास्ट वन विच ही मेंशन. द रीजन वाज द फर्स्ट विच वाज वर्क फ्रॉम होम. इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब. नो डाउट उन लोगों ने बोला था कि दे आर नॉट गोइंग टू फायर, दे विल मूव द डिपार्टमेंट. द सेकंड जॉब वाज अगेन पार्ट टाइम और उसमें भी आवर्स की कोई गारंटी नहीं थी. तो एंड द थर्ड जॉब इट वाज अ परमानेंट फुल टाइम और घर के काफी पास. सो इट वाज लाइक विन विन सिचुएशन फॉर लाइक सभी जगह से फायदा ही था. तो इसीलिए ये थर्ड वाली जॉब फाइनल की राइट. बिकॉज इट वाज फुल टाइम परमानेंट तो हमने सोचा कि ठीक है. मतलब आप लोगों ने काफी ऑनलाइन देखा होगा कि सब लोग कहते हैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, विच इज आई गेस ट्रू फॉर सम एरियाज. बट अगर आप कोई ऐसे एरियाज में रहते हो तो वहां पर डेफिनेटली आपको मिल सकती है. थोड़ा सा बस यही है कि अप्लाई करते रहिए, इन पर्सन जाते रहिए. मतलब मार्च अप्रैल में ज्यादा से ज्यादा ओपनिंग्स स्टार्ट होगी तो आपको मतलब हायर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो हाँ, मतलब यही था. थोड़ा टाइम लगता है जॉब में पर सूनर और लेटर ना लग ही जाती है. वैसे मेरी जॉब हम लोगों ने सीरियसली 2 महीने से ढूंढना स्टार्ट किया था. तो या आई होप कि इससे थोड़ा सा सब लोगों को थोड़ा मोटिवेशन टाइप हुआ होगा. बिकॉज मुझे भी काफी ऐसा लग रहा था कि मिलेगी नहीं मिलेगी. बट मिलती है तो ऐसे कभी कभी 2-3 भी मिल सकती है. तो ऐसा मत सोचना, मतलब होप मत छोड़ना एंड कीप अप्लाइंग. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप ये थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.